आप देख रहे हैं अपना समाचार। चिंटू को मैंने बतौर एक्टर देखा है, लेकिन अब चिंटू सिंगर भी बने हैं। हाँ, सॉन्ग एक हिट हुआ था, उसके बाद दूसरा सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया है जी। तो ये आखिर क्या पिताजी ने कहा कि आपकी आवाज अच्छी है गाइए? दरअसल मेरे पिता की फिल्म में मैंने कभी गाया ही नहीं, मतलब उन्होंने ना कभी बोला ना मैंने कभी गाया, क्योंकि एक फिल्म थी माई रे माई हमरा उहे लेके जाई, उसमें एक गाना गाया मैंने, पांडे जी का बेटा हूँ, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ, काफ़ी पसंद किया गया, काफ़ी विवाद भी, भोजपुरी का अब तक का सबसे बड़ा विवादित गाना रहा। तो वो गाना लोगों को बहुत पसंद आया। तो पहले हम जब उससे पहले जब प्रमोशंस में जाते थे अपने किसी भी फिल्म के, जब दर्शकों से रूबरू होते थे, जब थिएटर्स में आते थे, तो दर्शक हमेशा ये हमें बार बार बोलते थे कि आप गाना गाइए, अपनी आवाज़ में गाइए, हमको आपकी आवाज़ में गाना सुनना है। तो पांडे जी का बेटा बस यूँ ही हम लोग बैठे थे स्टूडियो में, गाना सुन रहा था, तो जो हमारे जो निर्देशक थे उस फिल्म के और जो उस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो अजय कुमार झा जी जो निर्देशक थे और म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा जी, उन्होंने कहा कि भाई आप ये गाना गाइए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ये गाना बहुत अच्छा गाया है ऑलरेडी रितेश भाई ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप ये गाना गाइए, अच्छा लगेगा, क्योंकि गाना आपके ऊपर है, पांडे जी का बेटा आप है तो आपके ऊपर है, तो आप अपनी आवाज़ में गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में गा दिया और उन लोगों ने वो गाने को फिल्म में रख दिया। और काफ़ी उसी आप सबके हमारे दर्शकों की देन है कि इतना बड़ा गाना रहा, 2018 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना रहा वो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और वह कड़ी में हम अब जौन भी अभी होली के जौन त्यौहार आ रहा बा, होली के रंगीन त्यौहार में हमार एक से एक रंगीन और धमाकेदार गाना, बहुत सारा म्यूज़िक चैनल पर, बहुत सारा कंपनी के माध्यम से गाना आवे वाला बा। और हमार बहुत जगह हम कमेंट में देखे नहीं कि हमार भाई लोग जौन बा, जौन हमार दर्शक लोग बा, वो सब लोग बार बार हम कमेंट में कहा था कि भैया आप गाना गाइए, आप गाना गाइए, तो उन्हीं की मांग पर गाना गाया।